ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, मेरा स्टोरी सर जितना स्ट्रगल जैसा नहीं था। सर जितना स्ट्रगल किए, 250 रुपया वाला मेरा वैसा कोई स्टोरी नहीं था। एक्चुअली यू नो द जर्नी ऑल स्टार्टेड इन क्लास 11-12। 11-12 में यू नो एक तो पापा का सपना था कि बेटा कुछ मतलब थोड़ा सा इनकम, ऐसा कुछ नहीं था को मेरे से कोई इनकम चाहिए था, बट यू नो आई स्टार्टेड विद अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11-12 एंड आई यूज्ड टू टीच हर वही मैथमेटिक्स। मेरे को भी मैथमेटिक्स बहुत पसंद था तो मैं मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया था। एंड सब्सिक्वेंटली व्हाट हैपेंड दैट मैंने एक स्टूडेंट को ही पढ़ाया, बट वो मेरा इंटेंशन टीचिंग का नहीं था। वो 800 रुपीज जो पर मंथ आता था ना, वो था। वो 800 रुपया दिखाता था कि मैं पढ़ा, यू नो ये मेरा इनकम है यू नो, इससे मैं यू नो कभी वही ऑटो वाला चीज, ऑटो में चला गया, टैक्सी में चला गया, पैदल नहीं जाना पड़ा, तो वो सब था। बट वो टीचिंग से इसका कोई कनेक्शन नहीं था। एक्चुअल टीचिंग का कनेक्शन हुआ व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग माय फ्रेंड्स। आई रिमेम्बर सीए फाइनल अकाउंटेंसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंसोलिडेशन अमालगमेशन। मैंने रफली 50% ऑफ द सिलेबस मेरे 5 फ्रेंड्स को पढ़ाया अपने घर में बुला के। उस टाइम मैंने जाना कि यू नो मेरा केपेबिलिटी ऑफ टीचिंग एनी पर्सन, केपेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग। उन्होंने यू नो मेरे को रफली एक्चुअली बोला कि उन्होंने प्रवीण शर्मा सर से भी पढ़ा था, उन्होंने मेरे से भी पढ़ा था, उन्होंने सबसे पढ़ा था। उन लोगों को टॉपिक आज तक समझ में नहीं आया, बट जिस तरीके से ना मैं भी प्रवीण शर्मा सर से ही पढ़ के उनको पढ़ाया, बट द वे आई एक्सप्लेन एंड द वे विच आई यू नो एक एक्सप्लेनिंग का जो केपेबिलिटी होता है जो मुझे लगा वो बहुत अच्छा था। फिर मुझे एक बार कॉल भी आया ईटन सी, अगर आपको याद होगा प्रवीण सर पहले ईटन सी से एसोसिएटेड थे, तो वहां पे जो फ्रेंचाइजी था बांगोड़ में, उन्होंने मेरे को ऑफर किया था कि आप आइए और हमारे साथ ज्वाइन करिए लाइव क्लासेस में। मतलब आपको हम ऐसे ऑल इंडिया लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि आप बिगनर हैं, बट आप लाइव क्लासेस में ज्वाइन करिए। बट क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से सब्जेक्ट एरिया ऑफ मैटर था टैक्सेशन, आई थॉट दैट अगर मैं किसी स्टूडेंट को टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ एंड आई डू नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन दैट, तो आई विल बी डूइंग वेरी वेरी इनजस्टिस विद दैट स्टूडेंट, बिकॉज यू नो टैक्सेशन अनलाइक कॉस्टिंग एंड एफएम डिमांड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आपको। जो बुक में लिखा है, जो लॉ में लिखना है जरूरी नहीं है वो फॉलो होता है, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी तो एक बार मुझे जॉब करना है, मैं कॉर्पोरेट टैक्स में ही करूंगा। मेरे को प्रॉफर, मेरे को कैलकटा में M&A मर्जर्स एंड एक्विजिशन से कॉल आ रहा था, बिकॉज आई डिड माई आर्टिकल्स फ्रॉम DB देसाई एंड कंपनी, आप सुने होंगे कॉन्स्टेंशिया बिल्डिंग में उनका ऑफिस है, तो वहां पे मैंने आर्टिकलशिप किया था। तो नो वन वॉज रेडी टू टेक मी इन कॉर्पोरेट टैक्स, बिकॉज जनरली सीए में क्या होता है, आर्टिकलशिप आप जिस फील्ड में किए हो आपको उसी फील्ड में लिया जाता है इन योर फ्यूचर पोस्ट जॉब। तो मेरे को कॉर्पोरेट टैक्स मिला तो मुझे बैंगलोर मिला, तो मैं मतलब मैंने 1% भी नहीं सोचा। एंड मेरी फैमिली बहुत कॉपरेटिव है, आज भी बहुत कॉपरेटिव है, सपोर्टिव है, एंड यू नो दे माय फादर डिडंट इवन होल्ड मी फॉर अ सेकंड एंड ही अलाउड मी टू गो टू बैंगलोर और कॉर्पोरेट टैक्स में मैंने ज्वाइन किया। बट देखिए, अब ज्वाइन करने के बाद एक होता है ना कि एकदम अच्छा बैंगलोर का कल्चर एकदम ब्यूटिफुल सुपर्ब, वहाँ पे अमेजिंग एनवायरमेंट क्लाइमेट, कलकत्ता में ऐसा कुछ है नहीं देखने को भी, ठीक है। सो वहाँ पे 2 साल खूब अच्छा गुजरा, आई वॉज प्रमोटेड एज अ डिप्यूटी मैनेजर, सैलरी हो गया था मेरा 12-13 लाख रुपया। बट उसके बाद यू नो कहीं ना कहीं अंदर एक ठो भूख थी कि नहीं यार ये लॉन्ग टर्म तो नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म तो मेरा प्लान था ही नहीं कभी से जॉब में। आई केम टू बैंगलोर जस्ट टू लर्न, हैव अ बेसिक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड अगेन आई वुड रिटर्न बैक टू माई टीचिंग प्रोफेशन। अब ये कॉल लेना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कब जाना है और जाना है कि नहीं जाना, बिकॉज 12 लाख को छोड़ के वापस से जीरो से स्टार्ट करना वॉज अ बिग चैलेंज। बट देन आई मेट सतीश सर एंड इन रियलिंग मतलब सतीश सर से मतलब देखो भगवान किस तरीके से मिलाया हमको, मतलब आज भी मैं सोच नहीं सकता कि यू नो मैं कभी उनको, जैसे जब हम लोग कॉस्टिंग पढ़े थे, एक मिनट, हम लोग जब कॉस्टिंग पढ़े थे तो यू नो होता है कि हम लोग कभी सर का नाम, मैं पर्सनली सर का नाम सुना नहीं, नहीं तो जरूर एक बार डेमो क्लास कुछ ना कुछ तो करने जरूर आता। बट इनके फादर और मेरे फादर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड है, तो जब मैंने अपने पापा को बताया कि पापा मेरे को पढ़ाने का इच्छा, और एक बात अंदर का और बताता हूँ, मेरे को मेरा मैनेजर से मेरा कोल्ड वॉर चलता था, मतलब आई यूज टू डिसलाइक हिम लाइक एनीथिंग। ऑल्दो ही यू नो उन्होंने मेरा PMDP जब गोल अचीव होता है तो उन्होंने मेरे को प्रमोशन में हेल्प किया, बट मेरा उनसे बहुत 36 का आंकड़ा चलता था, वो किसी के सामने कभी भी कैसे भी झाड़ देता था। सपोज मैं आपको इधर आइए,
मैं सबको सामने सबके सामने अगर इनको इतना झाड़ू इतना झाड़ू, तो आपको कैसा लगेगा? मन तो करेगा मार दे, मन तो करेगा ना मार दे। मेरा मन भी वैसे ही करता था कहे मार दे, बट क्या करे, है तो मेरा मैनेजर, कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा तो सीधा कंप्लेन कर देगा पार्टनर को, एंड आई विल बी एक्सपेल्ड। सो वो मैं नहीं चाहता, तो मैं सोचा था कि नहीं मेरे को तो एनीवेज कंटिन्यू करना नहीं। मैंने पापा के एक दिन रात को फोन किया और खूब रोया फोन में कि पापा मेरे को जॉब नहीं करना, मेरे को बैक टू कलकत्ता आना और टीचिंग करना है। तो पापा बोले कि बेटा टीचिंग तो करेगा ठीक है, बट मेरे को सोचने दे। तो पापा ने मेरे को एसोसिएट किया है सतीश सर से। तो अब मेरे को एक मार्गदर्शन चाहिए था कि मैं टीचिंग प्रोफेशन कैसे स्टार्ट करूं। आई हैड जीरो एक्सपीरियंस, नॉलेज है ठीक है, बट जब तक स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानेंगे, जब तक मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगा, मैं कैसे आऊंगा। तो फिर मैं सतीश सर से मिला। मेरे को याद आता है मैंने वहां एक सिंगल सा, मतलब इतना तो प्रोजेक्टर नहीं, एक छोटा सा बोर्ड खरीदा था बैंगलोर में और एक छोटा सा रूम एक महीना के लिए लिया था जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। मैंने अपना सेल्फ रिकॉर्डिंग किया, सतीश सर को 2-4 वीडियो भेजा था। सर ने वीडियो देखा, पहला 3-4 वीडियो में सर ने मेरे को बोला कि यू नो बहुत सारा मिस्टेक्स था कि आप ऐसे बोलो वैसे बोलो एक्स वाई जेड तरीके से बोलो, स्क्रिप्टेड लिखो, थोड़ा स्क्रिप्टेड बोलो। तो एक्चुअली मेरे को, मैं कभी सोचा नहीं था मैं 1 घंटा का स्पीच स्क्रिप्ट लिखूंगा और स्क्रिप्ट के साथ मैं बोलूंगा। तो मैंने इंटरनली बैंगलोर में प्रिपरेशन चालू कर दिया था बिफोर एक्चुअली डिसाइडिंग टू क्विटिंग माई जॉब। तो मैंने सर को, मतलब मैं आज भी सर को बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि उनका ही वो ड्राइव था। एक होता ना कि आज मैं कलकत्ता अगर आ रहा हूं, जॉब छोड़ रहा हूं, इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हूं, तो यू नीड समवन कि हाँ इस पर्सन ने बोल दिया कि हाँ बेटा तू आ जा, तू इस प्रोफेशन के लिए एलिजिबल है। तो एक तो मन में संतुष्टि मिल गई, हाँ सर ने बोल दिया, सर ने देखा, सर का इतना साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे ही नहीं है कि हाँ चलो चल दिया किसी बस यू नो शॉर्ट टर्म मिशन पे, लॉन्ग टर्म मिशन था, वापस मुड़ के देखना नहीं था। और सरप्राइजिंगली सपोर्टिंग, मतलब थैंक्स टू गॉड कि मेरे को हमेशा सही गाइडेंस मिला सर से, और मेरे पेरेंट्स मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहे, हर एक टाइम पे सपोर्ट करते रहे। आज भी मैं एक, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता मेरे से, मेरे पेरेंट्स को, तुम बस करते रहो करते रहो करते रहो, सक्सेसफुल बनो, स्टूडेंट्स का भलाई करो। तो जब मैं वापस कलकत्ता आया तो मैंने सर से बात की, सर ने बोला चलो ठीक है एक बार तुम खुद से करो, तुम देखो तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर यू नो गाइज अभी भी वही जर्नी कंटिन्यूड है, एंड आप लोग का बस प्यार मिलता है, आप लोग का लव एंड अफेक्शन मिलता है इसी तरीके से, यू नो और अंदर से मन करता है यू नो मेहनत करे। एंड रिसेंटली 4 months पहले आई गॉट मैरिड विथ माई वाइफ हु सिटिंग हियर ऋषिका, एंड उनका भी यू नो लकी चार्म, शी इज अ लकी चार्म फॉर मी, शी केम इन टू माई लाइफ, एंड यू नो अब देखिए फ्यूचर कैसे चलता है। बट येस सिंसियरली इस प्रोफेशन को नोबिलिटी के साथ चाहा था और फ्यूचर में भी चाहता रहूंगा, ऑल्दो आज के डेट में काफी लोग इसको एज अ बिजनेस लेते हैं, बट आई नेवर केम फॉर दिस इंटेंशन। आई ऑलवेज ऑलवेज एक होता है ना देने की इच्छा रहती है, बिकॉज मेरे पापा आज भी बोलते हैं कि बेटा टीचिंग इस ऐसा प्रोफेशन है, इतना नोबल प्रोफेशन है कि यू विल ऑलवेज गिव। एक होता है ना क्लॉज सुने होंगे क्विड प्रो क्यो, लॉ में सुना है, समथिंग इन रिटर्न, मतलब समथिंग इन रिटर्न एक्सपेक्ट मत करिए, देने का भावना सोचिए, लेने का भावना मत सोचिए। थैंक यू सो मच, यही था मेरा छोटा सा टीचिंग लर्निंग। आई स्टिल थैंक सर कि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया, या उन्होंने मेरे में कम से कम वो स्पार्क देखा कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर हो सकता था उस पाने वहां पे कोई और पर्सन रहता, मैंने नहीं नहीं इसमें तो कोई दम नहीं है, या फिर ऐसा, तो मैं हो सकता थी कि मैं टीचिंग में नहीं आता, मैं सोचता भी नहीं और मैं आज भी वही एनवाई में जॉब करता, मॉर्निंग 9 to 9, कोई टाइम नहीं, ठिकाना नहीं। कम से कम आप लोग का जो रिस्पेक्ट मिलता है उसका कोई प्राइसलेस, मतलब इट्स अबव 18-21 crore 2 crore, कोई भी वैल्यू नहीं है उसका। आज कोई स्टूडेंट आके धोख भी खाता है, ऑल्दो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़ा बड़ा फील होता है, बट उसका एक अलग कंसिडरेशन है गाइस। तो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों मुझे मिलता है, और क्या चाहिए मेरे को। थैंक यू सो मच।